हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड ग्लासेस पर। गॉड ग्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है डिफरेंशियल इक्वेशन करने वाले हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th। अगर आपके पास कोर मैथ्स है तो भी आपके काम का वीडियो है, क्योंकि कंसेप्ट तो दोनों का सेम है। तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास अप्लाइड मैथमेटिक्स है और आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, तो उसके लिए गॉड क्लासेस ने एक क्वेश्चन बैंक लॉन्च किया है। उस क्वेश्चन बैंक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, केस स्टडीज, असेसन रीजन, सब्जेक्टिव, हर टाइप के क्वेश्चन मिलेगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि उस बुक को करने के बाद एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपने किया ना हो। मतलब हर टाइप के क्वेश्चन आपको उसके अंदर मिलेंगे। तो आपकी जो ये प्रॉब्लम है, किसी किसी बुक में कुछ चीज़ें सही दे रखी हैं, किसी बुक में कुछ चीज़ें सही दे रखी हैं, किसी में से कुछ करना है, किसी में से कुछ करना है, तो वो प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी इस बुक को करने के बाद। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाके आप उसको परचेज कर सकते हैं। चाहे तो आप गॉड क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें, या फिर आप वेब के थ्रू भी जा सकते हैं, www.godclasses.in। वहां पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद कोर सेक्शन के अंदर जाएंगे तो आपको सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। अगर आप कंफर्टेबल हैं सॉफ्ट कॉपी से तो वो आप परचेज कर सकते हैं, वो एज कंपेयर टू हार्ड कॉपी वो चीपर है, उसकी कॉस्ट कम है। और जो हार्ड कॉपी है, अगर आप उससे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप वहाँ पर जाके परचेज कर सकते हैं। और डिलीवरी कॉस्ट इसके अंदर कुछ नहीं है, जो कॉस्ट वहाँ पर दी गई है 510, वही कॉस्ट ही आपको उसमें देनी है। इसके अलावा आपको कुछ और चार्जेस नहीं देने। तो अब जो अपनी आज की वीडियो है उसको हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब इसमें जो कंसेप्ट वाइज बात है, तो ऐसा कुछ अलग से कुछ खास कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पर हमें इक्वेशंस बनानी है, डिफरेंशियल इक्वेशंस बनानी है। जैसे लास्ट एक्सरसाइज थी उसमें हमने वेरीफाई किया था कि भाई ये वाला जनरल सॉल्यूशन है तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, या इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जनरल सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर आपको सॉल्यूशंस बनाने हैं, यानी एक्सरसाइज लगभग लगभग वही है। आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स होते हैं, आपको पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी हम बनाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट को हम एलिमिनेट करेंगे। उनको एलिमिनेट करने के बाद फिर जो इक्वेशन आएगी दैट इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन। अगर पर्टिकुलर पूछेगा तो पर्टिकुलर बता देंगे, उसके लिए कुछ ना कुछ आपको वैल्यूज दे रखी होंगी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास है, इसमें आपसे पूछता है कि राइट द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल। जब आपको ऑर्डर बताना होता है तो आपको सिर्फ ये देखना है कि कितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट उसके अंदर हैं। जो बेसिक वाला वीडियोस था उसमें हमने डिस्कस किया था ऑर्डर ऑफ डिग्री वाले में, ठीक है, वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि जितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट होंगे उतना ही उसका ऑर्डर होगा। और लास्ट जो एक्सरसाइज थी उसमें भी हमने इस तरह के कुछ क्वेश्चन किए थे। तो यहाँ पर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट आपके पास ये है, ए है, तो एक आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है तो इसका जो ऑर्डर है वो आ जाएगा एक। कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट देखो और अपना आंसर लिख दो। और जो सब्जेक्टिव पेपर क्वेश्चन आएगा, अगर उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप सिर्फ इतना बताएंगे इट हैज वन नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, सो द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज वन। मतलब एक बार इसमें हम डेरिवेटिव कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो सेकंड इक्वेशन है, यहाँ पर भी देखो एक ही आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है। आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट देखना है, ठीक है, फिक्स कॉन्स्टेंट नहीं देखना। इसको नहीं देखना कि यहाँ पर फोर है, ये भी कॉन्स्टेंट है। आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट देखना है जिसकी हम वैल्यूज निकालते हैं। तो यहाँ पर भी इसका ऑर्डर वन आ जाएगा। नेक्स्ट में देखो, यहाँ पर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट एक ए है और एक बी है, तो इसके आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट दो है तो इसका मतलब इसका ऑर्डर आ जाएगा टू। तो जब भी बस ऑर्डर पूछा जाएगा तो आपको सिर्फ इस तरीके से आंसर आप दे सकते हो। डिग्री जब निकालनी होती है ना तब हमें सॉल्व करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब वहां पर तो सिर्फ ऑर्डर पूछा था, अब यहां पर हमें इक्वेशंस बनानी है। अगर आप फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस y इक्वल्स टू एम एक्स वेयर m इज द आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। अब ये एक्सरसाइज है ना, इसको करने के लिए आपको थोड़ा सा 11th क्लास में जाना पड़ेगा, जहाँ पर आपने लाइंस की इक्वेशन पढ़ी थी, आपने पैराबोला की इक्वेशंस पढ़ी थी, वो इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए। मैं साथ साथ बताता भी जाऊँगा, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो अलग से जाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ पर आपको साथ साथ बता दूंगा। तो यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन है वाई इक्वल्स टू एम एक्स, ठीक है, यहाँ तो इक्वेशन हमें दे ही रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास वाई इक्वल्स टू एम एक्स। अब ये जो m यहाँ पर है ये एक आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है, मतलब हम इसको एक बार डेरिवेटिव करेंगे और एक बार डेरिवेटिव करने के बाद इस m को हमें ख़त्म करना है। m वहाँ पर बचना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना है, m को हमें ख़त्म करना है। अगर हम ऐसे ही अभी डेरिवेटिव करते हैं, अगर हम ऐसे ही डेरिवेटिव करते हैं तो एम एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो m आ जाएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव हो गया 1। तो डेरिवेटिव तो हमने कर दिया लेकिन m ख़त्म अभी नहीं हुआ, मतलब अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं आया। अब क्या करेंगे हम,
या तो m की वैल्यू निकाल के यहां पर पुट कर दो, या यहां पर m की वैल्यू आपको मिली गई है, इस वैल्यू को आप फर्स्ट में पुट कर दो, फ्रॉम फर्स्ट y इक्वल्स टू m की जगह डाल दो dy वाई बाई डी एक्स इंटू में x, इस x को इधर ले आओ तो dy वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। अब y अपॉन एक्स को इस साइड ले आओगे आप तो ये आपका आंसर बन गया dy वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई इसकी, ठीक है। आंसर में पीछे आप आपको सिर्फ ऐसे ही छोड़ रखा है, ठीक है, ऐसे भी छोड़ सकते हो। अब यहाँ पर इसको मैं करने का एक तरीका और बता रहा हूँ, फिर आगे इसी आगे जो क्वेश्चंस आप करोगे ना फिर आप उसी हिसाब से अपने देख लेना कि आपको कौन सा मेथड ईजी लग रहा है। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इसका डेरिवेटिव करा, डेरिवेटिव करने के बाद m की वैल्यू हमने उसमें पुट करी, क्योंकि डेरिवेटिव करने के बाद भी जो कॉन्स्टेंट था वो ख़त्म नहीं हुआ। अगर हम चाहें कि हम डेरिवेटिव को पहले ही कॉन्स्टेंट ख़त्म कर दें तो वो भी हम कर सकते हैं, हर क्वेश्चन में नहीं कर सकते, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन देखेगा आपको, जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझ में आने लगेगा कि भाई डेरिवेटिव यहाँ पर करने पर कॉन्स्टेंट खत्म होगा या नहीं खत्म होगा। जैसे यहाँ से मैं अगर x को इधर ले आता पहले ही, ये दूसरा तरीका है, ठीक है, ये दूसरा तरीका है। अगर मैं इसको पहले ले आता, अब मैं डेरिवेटिव करूंगा तो मुझे पता है कि भाई कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो होता है, तो m यहाँ से हो जाएगा खत्म। बस प्रॉब्लम ये आएगी, यहाँ पर आपको कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा, यहाँ पर डायरेक्टली डेरिवेटिव हो गया था, यहाँ कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा, लेकिन आपको यहाँ पर कोई वैल्यूज पुट नहीं करनी है, जो भी डेरिवेटिव करोगे उसी को सॉल्व करके आंसर हमारा बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर वाई का डेरिवेटिव करते तो डी वाई बाई डी एक्स डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, फिर माइनस का साइन, वाई एज इट इज रहेगा और एक्स का डेरिवेटिव वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया जीरो। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके वहां पर शिफ्ट कर दो, जीरो के साथ इनटू होगा तो क्या होगा इसका, ये भी बेचारा जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू जीरो। इस माइनस वाई को अगर मैं उधर ले जाऊं तो वही इक्वेशन बन गई सेम, ठीक है, यही इक्वेशन बन गई सेम। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। आगे जो क्वेश्चंस करेंगे मैं एक ही तरीके से करूंगा, तो आप उसको दूसरे तरीके से भी करके देख सकते हो, जहां जहां पॉसिबल है, जो चीज़ आपको आसान लगे वो आप वहां पर कर सकते हो। अब जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसमें कहता है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर दो आर्बिटरी कॉन्स्टेंट आ गए, एम एक्स भी आ गया और एम भी आ गया और सी भी आ गया, तो वहां पर आपको दो बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर एम एक्स प्लस सी इसका डेरिवेटिव कर दिया, m आ गया, c का जीरो हो गया। अब यहाँ पर एक बार और डेरिवेटिव करना है, क्योंकि दो कांस्टेंट है तो एक बार और डेरिवेटिव करना है, तो इसका हम डेरिवेटिव करते हैं डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर और m का डेरिवेटिव हो गया जीरो। अब यहाँ पर ये इक्वेशन आपकी बन गई, डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो गया, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, आर्बिटरी कॉन्स्टेंट नहीं है, खत्म हो गया डेरिवेटिव करके, तो यही आपका आंसर आ गया डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। ऐसे जीरो आ जाए तो ये मत समझना कि कुछ गलत कर दिया, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि डेरिवेटिव यहाँ पर इन्वॉल्व है और आर्बिटरी कॉन्स्टेंट यहाँ पर है ही नहीं, तो इसका मतलब हमारा आंसर ये बन सकता है, हमारा आंसर ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहता है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल, नॉट सर्कल, फैमिली ऑफ कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक मीन्स जिनका सेंटर सेम होता है, जैसे एक सर्कल ये बनाया आपने, ये सेंटर है, इसी सेंटर को लेके एक सर्कल और आ गया, एक सर्कल हो गया, इस तरह से फैमिली ऑफ सर्कल है, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है और ये इसकी इक्वेशन है, तो सेंटर यहाँ पर सेम रहेगा, बस आर जो है वो चेंज होता रहेगा। तो हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, आर्बिटरी कॉन्स्टेंट आप देख रहे हो एक ही है, डेरिवेटिव कर दो, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा टू एक्स, वाई स्क्वायर का आ जाएगा टू वाई, फिर वाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, आर्बिटरी कॉन्स्टेंट हो जाएगा जीरो। टू यहां से दोनों में से कॉमन निकाल दो तो रह गया एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो अपना आंसर आप यहीं पर भी छोड़ सकते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी बन गई, डेरिवेटिव इसमें आ गया, आर्बिटरी कॉन्स्टेंट इसमें खत्म हो गया, बस ये दोनों तीनों चीजें चेक कर लेनी है, आपका आंसर आपको समझ में आ जाएगा कहां पर छोड़ना है। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है नॉट कंटेनिंग द आर्बिटरी कॉन्स्टेंट एंड सेटिस्फाई, ये वाई इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब, वाई इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब फर्स्ट पार्ट में कह रहा है। अब यहां पर अगर आप डेरिवेटिव करेंगे
यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे आ जाएगा 3ax2। अब आप क्या करो, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि देखो a की कांस्टेंट है, डेरिवेटिव एक ही बार करना था, a खत्म नहीं हुआ, तो या तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो या यहाँ से निकाल लो, जहाँ से आपको आसान लगता है वहाँ से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो। ठीक है, मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, a की वैल्यू क्या बनेगी, वाई अपॉन एक्स क्यूब, इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दो, a की जगह पुट करना है वाई अपॉन एक्स क्यूब, इससे ये कैंसिल करो तो आपके पास आ गया यहां पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3y अपॉन एक्स। एक्स को यहां पर लाना है ले आओ, वहीं पर रखना है वहीं पर रख लो, एक्स वाई कहीं पर भी हो सकते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर में भी हो सकते हैं, बस डेरिवेटिव जो है वो चीजें ध्यान रखनी है जो हमने पिछली जो क्लास थी उसमें करा था, कि जो डेरिवेटिव होगा वो आपका डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, उसकी पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, बस ये सब चीजें ध्यान रखना। तो आंसर आपको ऐसे ही छोड़ रखा है, एक्स वाई वन, इसको वाई वन लिखा हुआ है, वाई वन मतलब डेरिवेटिव हो गया, और 3y इक्वल्स टू में 3y। तो ऐसे जो सेकंड पार्ट है इस पे आप जाओगे, सेकंड पार्ट ये है हमारे पास, तो इसमें एक आर्बिटरी कांस्टेंट है, डेरिवेटिव करेंगे एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, इसका हो गया 2y। अब जैसे वहां पर वाई वन लिखा हुआ है आंसर में, तो आप वाई वन भी लिख सकते हो, कहीं पर किसी क्वेश्चन में अगर प्रूव करने को बोले कि भाई वाई उस वाई वन की फॉर्मेट में है, तो आप वाई वन लिख दो, वाई वन का मतलब होता वही है डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका हो गया वाई स्क्वायर का 2y हो गया, वाई का हो जाएगा वाई वन, टू कॉमन निकाल दो, ये आपका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट पे आते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। अब यहां पर जैसे हमने ये किया था, आप सेम इसी तरह से कर सकते हो, ठीक है, या क्वेश्चन टूर लगाकर कर दो। तो मैं आपको जो जो पॉसिबल तरीके हैं वो बताता जा रहा हूं, उसके अलावा भी आपके दिमाग में कोई और आता है तो वो तरीका अप्लाई करो, मतलब अलग अलग तरीके से आप ट्राई कर करके देखो, ठीक है, जहां से आपको लगता है कि आपका आंसर आसानी से आ रहा है, सही आ रहा है, वो तरीका आप अप्लाई करो। तो डेरिवेटिव करा इसका 2y, फिर वाई का डेरिवेटिव वाई वन, 4a कॉन्स्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव वन। अब यहां से आप सीधा क्या करो, 4a की वैल्यू निकाल कर यहां पर आप पुट कर दो, वाई स्क्वायर 4a की जगह सीधा ही डाल दो 2y इंटू वाई वन इंटू में एक्स, तो एक वाई यहां से कॉमन निकल जाएगा, रह गया वाई इक्वल्स टू 2xy1, ये आपका आंसर आ गया, वाई इक्वल्स टू 2xy1। ठीक है, अब 2x डी वाई बाई डी एक्स बात वही है, टी वाई 2x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यहाँ भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ही बनानी है, फाइव का फर्स्ट पार्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन। तो यहाँ भी देखो ए की आपके पास आर्बिटरी कॉन्स्टेंट है बी, ठीक है, एक ही आर्बिटरी कांस्टेंट है, मतलब एक ही बार डेरिवेटिव करना है। अब यहां पर डेरिवेटिव करा आपने तो ये आ गया 2x 2y माइनस बी, फिर y का डेरिवेटिव करेंगे dy वाई बाई डी एक्स, ठीक है, b का तो 0 हो जाएगा, 2 कॉमन निकाल दो, अब यहां पर डेरिवेटिव करा आपने तो b तो खत्म हुआ नहीं, दूसरी बात यहां पर b की वैल्यू आप डायरेक्टली निकाल भी नहीं सकते, तो आप क्या करो, इस y माइनस बी की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि y माइनस बी यहां पर है, तो आप सीधा y माइनस बी की निकालो, आप खाली b की निकालो ही मत, क्योंकि b की निकालने में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो हम ज्यादा मेहनत मतलब स्मार्ट मेहनत करनी है हमें, फालतू की मेहनत नहीं करनी है। तो हम क्या करते हैं, इस x को उधर ले जाते हैं, y माइनस बी, और ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। अब इस वैल्यू को आप यहां पर पुट कर दो, तो इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर और वाई माइनस बी की जगह इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी इसको सीधा स्क्वायर करके लिख दूं, एक्स स्क्वायर और ये डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू में 1, ऐसे आ गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया, फिर यहां पर y माइनस बी का स्क्वायर करना था, y माइनस बी की वैल्यू ये थी, इसका हमने स्क्वायर कर दिया इक्वल्स टू में 1। अब यहां से डिनोमिनेटर में फंस गया ये, तो इसको आपको हटाना है, अब इसको हटाने के लिए एलसीएम ले लो,
ये एलसीएम आ गया, ये इधर से इनटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन। अब ये इधर शिफ्ट हो गया तो ये बन गया आपका आंसर, डेरिवेटिव आ गया, न्यूमिनेटर में आ गया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट खत्म हो गया, तो जो जो काम आपको करना था वो सारा हो गया। इसको आप इधर ले आएंगे, अब ये डी वाई बाई डी एक्स का जो स्क्वायर है ना, ये दोनों में कॉमन आ रहा है, इसको और थोड़ा सा स्टैंडर्ड कर दो क्योंकि सेम ही टर्म है, कॉमन निकाल दो, यहाँ से रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। या आप एक्स स्क्वायर भी कॉमन निकाल सकते थे, जैसे मर्जी कर सकते हो, कोई ऐसी वो नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हम बुक में इन्होंने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल रखा है, ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दिया इन दोनों में से, यहाँ पर ये वाई वन का स्क्वायर आ जाएगा और ये वाई वन का स्क्वायर इधर आ गया, तो दोनों तरीके ठीक हैं, आप जैसे मर्जी कर सकते हो। उसके बाद आते हैं हम सेकंड पार्ट पर इसके। अब सेकंड पार्ट में क्या कहता है, ये सेकंड पार्ट में कहता है यहां पर एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, ए एक्स क्यूब है, तो यहां पर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब यहां पर अगर मैं डेरिवेटिव करूं इसका, डेरिवेटिव किया मैंने तो क्या आएगा, टू एक्स फिर टू वाई फिर वाई वन हो जाएगा और इसका आ जाएगा थ्री ए एक्स क्यूब। तो यहां से एक ही वैल्यू निकालने के लिए मेरे को इसको नीचे लाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में लाना ही है, तो मैं फिर यहीं पर ही पहले ले आता हूँ, पहले ही मैं क्या करूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स क्यूब। अब यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे तो ये खत्म ही हो जाएगा, ठीक है, इधर क्वेश्चन टू लगा देंगे, इधर डेरिवेटिव करेंगे तो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट खत्म हो जाएगा, सॉल्व करके हमारी इक्वेशन बन जाएगी, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करने का कोई चक्कर ही नहीं पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया टू एक्स, वाई स्क्वायर का हो गया टू वाई, फिर वाई का हो गया वाई वन, इनटू में डिनोमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, क्वेश्चन रूल लगा रहे हैं, ठीक है, और एक्स क्यूब का हो गया थ्री एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका कर देंगे स्क्वायर और ये आ गया जीरो। अब ये तो उधर जाके इसका तो हो गया काम तमाम, जो बचा आपके पास है इसमें से देखो, ये टू एक्स की पावर फोर टू एक्स क्यूब वाई वाई वन, इधर से आ जाएगा थ्री एक्स की पावर फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ से आप एक्स की पावर टू कॉमन निकाल सकते हो, एक्स की पावर टू कॉमन निकाल दो, वाई तो कॉमन निकलेगा नहीं, तो यहाँ रह गया टू एक्स स्क्वायर टू एक्स वाई वाई वन थ्री एक्स स्क्वायर थ्री वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं अपने आंसर को, टू एक्स वाई वन टू एक्स वाई वाई वन और एक्स, अच्छा ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर, इन दोनों को आपस में भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं लाइक टर्म्स है, तो ये जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर। बुक में आप इन दोनों को उस साइड में ले जाओगे तो ये प्लस में हो जाएगा, इसी साइड रखे रहोगे तो ये नेगेटिव रहेगा। उसके बाद आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखो, यहाँ पर x अपोन a है y अपोन b है इक्वल्स टू वन है, तो मतलब दो आर्बिटरी कांस्टेंट है, दो आर्बिटरी कांस्टेंट है मतलब आपको दो बार डेरिवेटिव करना है। तो पहली बार जब डेरिवेटिव करा हमने, पहली बार डेरिवेटिव करा तो x बाई ए का आ गया वन बाई ए और y अपोन b का आ गया वह डी वाई बाई डी एक्स अपोन बी इक्वल्स टू में जीरो। जो कांस्टेंट है वो तो जैसा है वैसा का वैसे ही रहेगा, हमें सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव करना होता है, तो एक्स का कर दिया वन आ गया, वाई का हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब हमें एक बार डेरिवेटिव और करने की छूट है हमारे पास अभी तक, लेकिन हमारा एक भी कांस्टेंट खत्म नहीं हुआ, एक बार हमने डेरिवेटिव कर दिया है ठीक है, लेकिन कांस्टेंट हमारे दोनों के दोनों अभी ऐसे के ऐसे ही हैं। तो अब हम इसको ख़त्म कैसे करें, बड़ा आसान तरीका है, ठीक है, आप क्या करो पहले वन बाय ए को उधर ले जाओ, माइनस वन बाय ए हो जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स अपॉन बी माइनस वन बाई हो गया। अब ये जो बी है ना इसको भी इधर शिफ्ट कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अब क्योंकि हमारे पास लिबर्टी है कि हम एक बार और डेरिवेटिव इसको कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा, दो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है तो दो बार डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा। अब दूसरे डेरिवेटिव करते ही दोनों के दोनों हो गए स्वाहा, दोनों हो गए खत्म, ठीक है, हमारा जो काम था दोनों काम हमारे इकट्ठे हो गए, यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन भी बन गई और जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे वो भी खत्म हो गए। तो ये आपका आंसर बन जाएगा
डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में 0। क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax - b। अब यहां पर थोड़ा सा पंगा हो सकता है क्योंकि दो आर्बिट्री कांस्टेंट है। चलो डेरिवेटिव करते हैं पहले, तो 2y, y का हो गया y1, 4a कांस्टेंट है, x का हो जाएगा 1, b का हो गया 0। बढ़िया हो गया। यहां भी आपके पास देखो एक कुछ भी नहीं बचा, कांस्टेंट ही बचा सारा, तो डेरिवेटिव करोगे तो ये सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा इसको हम करने के लिए 2 को कॉमन निकाल देते हैं, y y1 इक्वल्स टू 2a। अब यहां डेरिवेटिव करेंगे तो यहां दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए, वाई इंटू में वाई वन, तो यहां पर आपको लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। राइट हैंड साइड में कुछ नहीं करना, कांस्टेंट बचा है वो तो 0 हो जाएगा, तो यहां प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, वाई का डेरिवेटिव हो गया वाई वन, फिर ये वाला वाई वन एज इट इज प्लस का साइन, वाई एज इट इज और वाई वन का डेरिवेटिव वाई टू, और यहां पर हो गया 0। यहां से अब वाई कुछ कॉमन निकलेगा नहीं, तो ये बनेगा वाई वन स्क्वायर प्लस में वाई इंटू में वाई टू इज इक्वल्स टू 0। देखिए हमारा आंसर वाई वन स्क्वायर वाई इंटू में वाई टू इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 8th में कहता वाई इक्वल्स टू ए ई की पावर 2x बी ई की पावर -2x। अब ये जो ई वाले क्वेश्चन है ना, जो ई वाले क्वेश्चन है ये एक ही फॉर्मेट से चलेंगे, ई की पावर यहां पर कुछ भी आती रहे, अब एक ही फॉर्मेट से चलना। कैसे? आपने पहले डेरिवेटिव करा, ए कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा, ई की पावर 2x एज इट इज, फिर 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो 2, फिर e की पावर -2x, अब -2x का डेरिवेटिव करेंगे तो -2। ठीक है, यहां पर ये पावर, ये जो यहां 2 है ना, यहां भी 2 होना चाहिए। ऐसा अगर क्वेश्चन है तो उसमें आप क्या करोगे, सीधा सेकंड डेरिवेटिव निकाल दो, अभी कुछ नहीं करना आपको, आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दिया, अब सीधा सेकंड डेरिवेटिव निकाल दो उस क्वेश्चन में जिसमें ये दोनों सेम रहेंगे। यहां पर 2 है, यहां -2 है, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू सेम हो, माइनस प्लस की चिंता मत करना। यहां 2 है, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 3 है, यहां a है, यहां a है, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो आपने इसका दोबारा डेरिवेटिव करा, अब ये जो 2 है और ये है दोनों कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज रहेंगे, इसका डेरिवेटिव करोगे और फिर 2x का करेंगे तो 2 फिर से आ जाएगा एक और। ऐसे यहां पर ये -2 भी है, इसका करेंगे तो एक बार और -2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 4a e की पावर 2x प्लस 4b e की पावर -2x। अगर मैं इसमें से 4 कॉमन निकाल दूं, अगर इसमें से 4 कॉमन निकाल दूं तो जो क्वेश्चन दिया हुआ था इसने वही बन गया, a e की पावर 2x b e की पावर -2x, और इन दोनों की जगह पर हटाकर आप पुट कर दो y, ये बन गया आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन y2 = 4y या y2 = -4y = 0, जैसे मर्जी आप लिख दो, वो आपका आंसर आ गया। ठीक है, उसमें करना है जिसमें ये वाले दोनों सेम हो, अगर डिफरेंट होंगे तो आगे क्वेश्चन करेंगे वो कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है, वही कंसेंट्रिक सर्कल है, इसका सेंटर है 1 2। अब यहां अभी तक क्या हो रहा था, क्वेश्चंस के अंदर आपको इक्वेशंस दी गई थी, आपको सिर्फ उनको डिफरेंशिएट करना था, एक बार करना है या दो बार करना है, आर्बिट्री कांस्टेंट के अकॉर्डिंग उनको आपको डिफरेंशिएट करना था बस। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपको इक्वेशंस पता होनी चाहिए। यहां पर इक्वेशन हम किसकी यूज कर रहे हैं, यहां पर इक्वेशन चाहिए हमें सर्कल की। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल है मतलब वही जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था, एक सेंटर के लेकर फिर बहुत सारे सर्कल आप बना सकते हो, और सेंटर आपको ये दिया हुआ है। तो जो सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक्स माइनस एच का स्क्वायर y - k² = r². अगर आप लोग को याद हो तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं हो तो अब याद कर लो। ये सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, इसमें h और k दोनों सेंटर होते हैं और r इसमें रेडियस होता है। तो यहां पर इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको कह रहा है सेंटर 1 2 है, तो सेंटर तो सभी का फिक्स रहेगा, 1 2 ही रहेगा, क्योंकि कंसेंट्रिक सर्कल बोला है तो सेंटर तो सभी का वही रहेगा। तो आपने क्या करना है, यहां पर h की जगह पर पुट कर देना है 1,
और आर की जगह और के की जगह पुट कर देना है टू। अब आपके पास जो इक्वेशन आ रही है, अब उसको आप देखोगे तो वो इक्वेशन आपकी ऐसी है जिसमें अंदर एक आर्बिटरी कांस्टेंट है, मतलब इसमें आपको एक बार डेरिवेटिव करना है। चलो डेरिवेटिव कर देते हैं, इसका करेंगे टू एक्स माइनस वन, इसका करेंगे टू वाई माइनस टू, फिर वाई का डेरिवेटिव करेंगे वाई वन इक्वल्स टू जीरो। टू आप कॉमन निकाल दो, एक्स माइनस वन यहाँ से रह जाएगा वाई माइनस टू, वाई वन इक्वल्स टू जीरो, इसको मल्टीप्लाई कर दो वाई इंटू वाई वन, या ऐसे भी छोड़ सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा कुछ बचा नहीं है, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट बचा नहीं है जो आपको ख़त्म करना हो। ठीक है, वेरीफाई कर लेते हैं, हमारे पास एक्स माइनस वन वाई माइनस टू, इसने तो आपको यहीं पर ही छोड़ दिया, एक्स माइनस वन वाई माइनस टू, वाई वन इज इक्वल्स टू जीरो। अब आ जाते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट में ये उन सभी सर्कल की बात कर रहा है जो एक्स एक्सिस को ओरिजिन पर टच कर रहे हैं। ठीक है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल विच टच द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहे हैं, मतलब किस तरह के सर्कल की बात कर रहा है ये। एक्स एक्सिस को टच करेंगे तो सर्कल ऐसे होगा। अब ये टच कहाँ कर रहा है, ओरिजिन पे टच कर रहा है, यानी सर्कल ऐसे है, इस तरह का सर्कल है। जब ये फैमिली ऑफ सर्कल की बात कर रहा है, मतलब सर्कल यहीं से पास होना है आपका। ठीक है, सर्कल यहीं से ऐसे पास होना है। अगर आप फिगर दिखाना चाहो तो इस तरह तीन चार सर्कल बना के दिखा दो, करना आपको सोल्व एक ही को ही होता है। अब यहां पर क्योंकि ये ओरिजिन को टच कर रहा है, बिकॉज सर्कल टचेज द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, इसका मतलब क्या हुआ, जब ये ओरिजिन को टच कर रहा है तो जो सर्कल की इक्वेशन के अंदर एक्स और वाई हम लेते हैं, एक्स वाई का मतलब होता है जहां से सर्कल पास कर रहा है, तो यहां पर हमें ये पता चल गया कि सर्कल जो पास कर रहा है उस वो पॉइंट है जीरो जीरो। एक पॉइंट तो ये है जीरो जीरो से पास कर रहा है। दूसरी बात, सर्कल होता है सिमेट्रिक, अगर ये ओरिजिन से पास करेगा तो इसका जो सेंटर होगा ये वाई एक्सिस के ऊपर ही लाई करेगा, इसका जो सेंटर होगा वो वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। क्यों? क्योंकि सर्कल सिमेट्रिक होता है, तो जब वो बिल्कुल सेंटर से टच करता हुआ जा रहा है तो जितना ये इधर होगा उतना ही इधर होगा। ये चीजें ध्यान रखना, ये चीजें यहां पर आपको नहीं दी गई है, ये आपको खुद मतलब समझनी पड़ेगी कि भाई सर्कल किस तरह की फिगर होती है, तो उसका सेंटर अगर वो यहां से ऐसे पास कर रहा है तो उसका सेंटर कहां से आपको लेना पड़ेगा, ये चीजें आपको खुद पता होनी चाहिए। एंड इट्स सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, तो हमने मान लिया जीरो के, एच के होता है तो उसमें एच की वैल्यू जीरो हो गई। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट पर जब यहां पर कहीं पर ये होगा सेंटर, तो यहां पर एक्स की वैल्यू जीरो होती है, वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है। अब सर्कल की जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये एक सर्कल की इक्वेशन आ गई। अब यहां से आपको इन दोनों का यूज करना है कि एक तो ये ओरिजिन से पास कर रहा है, दूसरा इसका सेंटर जो है यहां पर लाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एच की जगह पुट कर देंगे जीरो, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर यहां पर अब दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो हमें इसको दो बार डेरिवेटिव करना है, ऐसा आ रहा होगा, दो कांस्टेंट है दो बार डेरिवेटिव करना है, सीधी सी बात है। लेकिन भाई जब ये आपको ये बता रहा है कि ओरिजिन से ये टच कर रहा है, तो इसका मतलब आप इसको यूज करो, और इसको यूज करके बिकॉज यहां दिखा दो इट पासिस थ्रू जीरो जीरो, तो यहां पर जो ये एक्स है इसकी जगह आपको जीरो पुट करना है, जो वाई है उसकी जगह भी आपको जीरो पुट करना है, इससे आपको वैल्यू मिल जाएगी के स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर के बराबर। और फिर आप वापस इस इक्वेशन पर आएंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, यहां से आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर के स्क्वायर दोनों आपस में बराबर है, यानी यहां पर एक ही आर्बिटरी कांस्टेंट है, दो डिफरेंट आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि जो भी वैल्यू होगी के की आर की वो बराबर ही आनी है। वो कैसे बराबर आनी है उसका रीजन मैंने आपको ये बता दिया।
आप सीधा मतलब इस लाइन को लिखे बिना आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हो कि इसका जो सेंटर है वो वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, इसलिए ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा ये इसका, अगर सेंटर हम इसका जीरो के ले रहे हैं तो ये जो डिस्टेंस है ये भी के होगा, या फिर आप ऐसे शो कर दो, दोनों तरीके आपके ठीक है। ठीक है, तो अब आपके पास ये फाइनल इक्वेशन बनी और इसके हिसाब से आपको डिफरेंशिएट करना है। तो अभी डिफरेंशिएट मत करो, अभी मत करो, क्यों? क्योंकि इसको पहले आप खोल लो, इसको आप करो वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस टू के वाई इक्वल्स टू के स्क्वायर। इस के स्क्वायर से के स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, काम हमारा थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। इस टू के वाई को इधर लेके जाओगे आप, ये बन गया। अब क्योंकि इसके अंदर एक ही आर्बिटरी कांस्टेंट है तो आपको डेरिवेटिव एक ही बार करना है, और डेरिवेटिव एक ही बार करके आपको कोशिश करनी है कि आर का आर्बिटरी कांस्टेंट खत्म हो जाए। लेकिन अभी अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो इस वाई की वजह से, क्योंकि के साथ है तो ये खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, के की वैल्यू निकाल कर पुट करनी पड़ेगी, या फिर बेटर तरीका क्या रहेगा, इस वाई को आप लेफ्ट में ले आओ और यहां पर लगा दो कोशेंट रूल। अब यहां पर ये टू के रह जाएगा, आप डेरिवेटिव कर दोगे तो ये इसका काम हो जाएगा खत्म, ये झंझट हमारा खत्म हो जाएगा कि वैल्यू निकालनी है पुट करनी है, क्योंकि कांस्टेंट खत्म हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का आ जाएगा टू एक्स, वाई स्क्वायर टू वाई, फिर वाई वन इंटू में डिनोमिनेटर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, ये आ जाएगा जीरो और डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, ये इधर जाके कैंसिल हो जाना है। इस वाई को इससे मल्टीप्लाई कर दो, टू एक्स वाई, टू वाई स्क्वायर वाई वन, एक्स स्क्वायर वाई वन, वाई स्क्वायर वाई वन इज इक्वल्स टू जीरो। अब लाइक टर्म्स हमारे पास ये दोनों हैं, वाई स्क्वायर वाई वन, वाई स्क्वायर वाई वन, यहाँ पर टू है यहाँ पर माइनस वन है, तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, टू एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई वन प्लस टू वाई स्क्वायर वाई वन इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये हमारा आंसर बना इसका, नाइन्थ का सेकेंड पार्ट कॉमन निकाल रखा है, जो टू एक्स वाई है इसको उधर ले जा रखा है, इसको इन दोनों को उस साइड ले गया, टू एक्स वाई ऐसे, तो टू एक्स वाई यहाँ से वाई वन कॉमन, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आंसर आपको दे रखा है बुक में। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पर छोड़ें हम, यहाँ पर छोड़ें आंसर जो एग्ज़ाम के अंदर है कैसे छोड़ें? आप यहाँ पर छोड़ते हो आंसर आपका ठीक है, यहाँ भी छोड़ोगे ये भी ठीक है, यहाँ भी छोड़ोगे ये भी ठीक है, आप कहीं भी इसमें से अपने आंसर को फाइनल कर सकते हो। हाँ, अगर प्रूव करने को कहीं पर आ जाएगा तो फिर आपको पता ही है कि प्रूव करने के लिए तो आपको वहाँ तक जाना ही पड़ेगा। तो ये हो गया इसके दो पार्ट। उसके बाद थर्ड पार्ट की अगर आप बात करोगे तो थर्ड पार्ट में कहता है कि सर्कल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है। अभी कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब ये आपके पास एक्सिस हो गई, कोऑर्डिनेट एक्सिस ये दोनों। सर्कल ऐसा है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और दोनों एक्सिस को टच करता हुआ जा रहा है, मतलब इस तरीके से है, टच कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, नीचे चला गया थोड़ा सा, टच कर रहा है ऐसे, थोड़ी बढ़िया से फिगर बना लेना, ये इसका सेंटर हो गया एच और के। बस आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि दोनों को टच कर रहा है। अब बात वही आती है कि सर्कल तो सिमेट्रिक होता है। अब सर्कल सिमेट्रिक होता है तो जितने डिस्टेंस पर ये यहाँ टच करेगा उतने ही डिस्टेंस पर ये यहाँ टच करेगा, और साथ ही साथ रेडियस भी इसकी यही हो जाएगी। ये जो डिस्टेंस होगा ये तो रेडियस होगा, और इसके अलावा ये एच भी है हमारे पास, ये एच भी है। जैसे हम कोई कोऑर्डिनेट हम प्लॉट करते हैं, मान लो हम कहते हैं भाई टू थ्री, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एक्स का डिस्टेंस है ये टू है और वाई का डिस्टेंस है ये थ्री है। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा, तो इसका मतलब एच और के दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहां दिखाओ, बिकॉज सर्कल टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस देयरफॉर एच इक्वल्स टू के इक्वल्स टू आर, तीनों आपस में इक्वल होंगे। तो जो सर्कल की इक्वेशन होती है वो अब क्या बन जाएगी, एक्स माइनस एच का स्क्वायर, y माइनस के की जगह भी h लिख दूं और r की जगह भी
एच लिख दो। अगर आप ये कंसेप्ट नहीं समझोगे, आप इस चीज को ध्यान नहीं रखोगे, तो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट आपके तीन बन गए यहाँ पर, एच के और आर। लेकिन होना क्या चाहिए था, होना तो एक ही चाहिए था। तो इसलिए मैं आपको डिटेल में कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, ये चीजें आप ध्यान रखें कि किस तरह से आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट आपको डिसाइड करने की कितने होंगे। ये मत देखना कि एच के आर सर्कल में तो हमेशा तीन बनेंगे, सर्कल की जो कंडीशन है उसको यूज करने के बाद जो बचेगा वो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है। और जनरली एक या दो, इतने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट होते हैं, तीन का क्वेश्चन आपके सिलेबस में तो है ही नहीं। अब इसको आप एक्सपेंड करो, एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर टू एच एक्स वाई स्क्वायर एच स्क्वायर टू एच वाई इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। ये एच स्क्वायर कैंसिल। अब पंगा यहाँ पर ये है, पिछले वाले में जैसे क्या था कि भाई कैंसिल करने के बाद एक ही आपके पास के बचा था और आपने उसको एक तरफ छोड़ के उसको डेरिवेटिव कर दिया। अब पंगा ये है कि अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो भी मेरे पास यहाँ भी एच है, तो भी मेरे पास यहाँ भी एच है, तो एच खत्म होगा नहीं। एक बार डेरिवेटिव करने से एच खत्म होगा नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, हमें वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी। अब वैल्यू निकालने के लिए पहले तो आप इसको ऐसा करो, डेरिवेटिव करो, ये हो गया 2x, इसका आ जाएगा 2h, y स्क्वायर का हो गया 2y, फिर y1, इसका 0 हो गया 2h, y का हो गया y1। अब यहाँ से 2 कॉमन निकाल दो, x माइनस एच वाई इंटू वाई वन माइनस एच इंटू में वाई वन। अब जो h वाली टर्म है ये दोनों है, इन दोनों को उधर शिफ्ट करो, ये भी प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा, और यहां से आपको h कॉमन लेके 1 प्लस वाई वन, इसको यहां नीचे लाओगे, h की वैल्यू आपको ऐसे मिलेगी। अभी तक सारे क्वेश्चनों में बड़े इजीली मिल रही थी, यहां पर थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। अब ये जो h की वैल्यू आई है इसको इस इक्वेशन में डालना पड़ेगा फ्रॉम फर्स्ट। तो यहां क्या कहता है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर, एक्स माइनस एच की जगह आपको ये रखना है, इसका स्क्वायर, फिर वाई माइनस एच, फिर एच का स्क्वायर, इधर एलसीएम लेते हैं तो एक्स से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, थोड़ा ये भी मैं डिलीट कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना इससे पिछली स्लाइड में जाके जिसको लेना है। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे आप पहले, वन प्लस वाई वन ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, जब एलसीएम आप लेंगे तो एक्स से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स प्लस एक्स वाई वन। फिर ये जो माइनस बीच में लगा हुआ है ये माइनस इन दोनों के लिए होगा, तो इसको लिख देंगे माइनस एक्स माइनस वाई वाई वन, इसका स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर करो, वाई को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई प्लस में वाई वाई वन माइनस एक्स वाई वाई वन, वन प्लस वाई वन इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई वाई वन। इसको आप ऐसे रहने दो, बस स्क्वायर इनके अलग अलग कर दो। यहां से देखो ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा यहां से एक्स वाई वन माइनस वाई वाई वन, इसका स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में वन प्लस वाई वन का स्क्वायर। यहां से देखो वाई माइनस एक्स, इसका स्क्वायर, वन प्लस वाई वन का स्क्वायर, एक्स प्लस वाई वाई वन का स्क्वायर, वन प्लस वाई वन का स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में यहां पर यहां पर यहां पर तीनों में सेम वैल्यू आ रही है, तो क्या करेंगे, कॉमन निकाल के उसको स्वा कर दो, खत्म कर दो। बचा गया आपके पास, अब जो ऊपर जो टर्म बची है उसको आप सॉल्व कर दो, यानी उसमें होल स्क्वायर लग रहा है तो उसका होल स्क्वायर करके सॉल्व करो, ये नीचे से खत्म हो जाएगा, अगले स्टेप में आप इसको खत्म कर देना, ठीक है। जो बाकी चीजें बची है मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहां पर करेंगे इसको एक्स स्क्वायर
वाई वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई वन स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई और वाई वन स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, इधर करोगे आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई वन स्क्वायर टू एक्स वाई और वाई वन। अब यहाँ से देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जो सेम सेम टर्म्स हैं वो कट जाएंगी, बस और तो कुछ कटेगा नहीं। अब एक्स स्क्वायर वाई वन स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई वन स्क्वायर, इधर से आ जाएगा माइनस टू एक्स वाई वाई वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, इसको भी इधर ही ले आओ माइनस टू एक्स वाई वाई वन। अब जिस इसमें वाई वन आ रहा है उसको अब इकट्ठा कर दो, वाई वन वाली जो टर्म्स हैं इसमें, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई वन स्क्वायर, सॉरी वाई वन बचेगा खाली, यहाँ से बचेगा माइनस टू एक्स वाई वाई वन, इधर से आ जाएगा माइनस टू एक्स वाई, इन दोनों में से वाई कॉमन निकाल दो, वाई माइनस टू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, हमारा आंसर एक्स माइनस वाई स्क्वायर वन प्लस वाई वन स्क्वायर, इसने हमें ऐसे छोड़ा हुआ है, मतलब इसने इसको सॉल्व किया है, उसको भी सॉल्व, एक्स प्लस वाई वाई वन का स्क्वायर। इसने आंसर में क्या कर रखा है, इसने ये वाली ब्रैकेट को सॉल्व नहीं किया हुआ है, सिर्फ इन दो ब्रैकेट को सॉल्व करके इनमें से कॉमन ले रखा है। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, और जैसे हमने ये आंसर ये लिखा है हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, बस प्रूफ वाले क्वेश्चंस में ध्यान रखना कि वहां पर आपको वहां तक पहुंचना ही पड़ेगा, एक पार्ट और इसका भी फोर्थ पार्ट। अब यहां कह रहा है कि ऑल पैराबोला हैविंग देयर वर्टाइसेस एट ओरिजिन एंड फोकाई ऑन वाई एक्सिस, तो यहां पर अब ये जो पैराबोला है उसकी इक्वेशन भी आपके पास, दो तरह के पैराबोला आपको मिलेंगे यहाँ पर, एक तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू फोर एक्स, ये वाला पैराबोला इस शेप में हो जाता है, और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू फोर ए वाई, ये वाला पैराबोला इस डायरेक्शन में आता है, अगर माइनस लग जाएगा तो ये इधर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा। अब आप देखो कौन सा पैराबोला आपको दिया हुआ है, कह रहा ऑल पैराबोला हैविंग देयर वर्टाइसिस एट ओरिजिन, वर्टाइसिस दोनों का ही ओरिजिन पर है, फोकाई ऑन वाई एक्सिस, फोकाई मतलब इसका फोकस ये यहाँ पर आएगा वाई एक्सिस पर, ठीक है, इसका फोकस एक्स एक्सिस पर होता है, तो आपको ये वाली सिचुएशन दे रखी है इसने, तो आपके पास इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू फोर ए वाई। इस तरह से आपको पहले खुद समझना पड़ेगा कि कौन सी इक्वेशन आपको लेनी है, अगर इक्वेशन पहले दे रखी है तो काम आसान हो जाता है, लेकिन अगर स्टेटमेंट में दे रखी है तो इक्वेशन आपको चूज करनी पड़ेगी, तो हमने चूज कर ली भाई ये इक्वेशन है। अब यहाँ से वाई को आप इधर ले आओ और इसका कर दो डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का टू एक्स डिनोमिनेटर एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई का हो गया वाई वन डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, इसको उधर लेके जाएंगे, ये हमारा आंसर टू एक्स वाई, आंसर है हमारा एक्स वाई वन इक्वल्स टू टू वाई, एक्स वाई वन, अच्छा यहाँ से एक्स कॉमन निकाल देंगे, ठीक है, उसके बाद एक्स वाई वन को उधर ले जाओगे तो वो बुक का आंसर मैच हो जाएगा इस तरह से। फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस एंड रेडियस थ्री यूनिट, अब इसने किस सर्कल की बात करी कि सर्कल का जो सेंटर है वो वाई एक्सिस के ऊपर है और उसकी जो रेडियस है ये तीन है, ये यहाँ पर टच नहीं कर रहा है, टच करने वाला कोई सीन नहीं है, बस यहाँ पर सेंटर जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर है, तो वो कहीं भी हो सकता है भाई, आप इसको जितना मर्जी ऊपर ले जाओ जितना मर्जी इसको नीचे ले आओ, ठीक है, बस सेंटर ध्यान रखना है आपको कि वाई एक्सिस पर है और उसका रेडियस तीन है, तो अब सेंटर अगर वाई एक्सिस के ऊपर होगा तो इसका सेंटर बन जाएगा जीरो के, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो जीरो हो ही जाएगी वहाँ पर एच की वैल्यू, तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स माइनस एच की जगह जीरो कर देंगे, वाई माइनस के और आर की जगह आ जाएगा थ्री, तो आपके पास एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बना एक्स स्क्वायर प्लस में इसको आप सॉल्व कर दोगे,
ये हो गया। अब आपके पास एक ही आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है के, तो डेरिवेटिव करते हैं 2x। अगर इसको हम ऐसे के बजाय ऐसे डेरिवेटिव करें तो आसान पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये तो ख़त्म हो जाएगा लेकिन यहाँ से k ख़त्म नहीं होगा, फिर आपको वैल्यू निकालने के लिए वो इधर उधर करना पड़ेगा। तो मैं अभी ऐसे ही कर देता हूँ जैसे हमने स्टार्ट किया है। आप कोशिश करना आप इसको यहीं से ही डेरिवेटिव करो और सीधा y माइनस k की जगह पर वैल्यू पुट कर दो। ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे भी किया एक, तो वाई स्क्वायर आ जाएगा 2y, y1 इसका 0 हो जाएगा, इसका आ जाएगा 2k, y1 इसका हो गया 0। अब k वाली टर्म ये है, इसको उधर लेके जाएंगे और साथ साथ 2 कॉमन निकाल दो, ये हो गया। y1 को नीचे लाओ, ऐसे आ गया। अब आप k की जगह पर यहां पर ये वैल्यू डाल दो, तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के, के की जगह ये आ गया इक्वल्स टू 9। एलसीएम लेंगे तो यहाँ वाई वाई वन आ गया माइनस एक्स वाई वाई वन डिवाइडेड बाय वाई वन का स्क्वायर, ये हो जाएगा कैंसिल, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई वन स्क्वायर इक्वल्स टू 9। अब वाई वन मतलब डेरिवेटिव, डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में आ रहा है तो उसको हटाना है, उसको हटाना है तो एलसीएम लेंगे, अगले स्टेप में लेके जाना है इसको। एक्स स्क्वायर कॉमन कर दो, ठीक है, वाई वाई वन स्क्वायर भी कॉमन कर सकते थे, ठीक है, हमारा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर 1 + y1² इक्वल्स टू 9y1². तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ, और इसी क्वेश्चन के साथ ही ये जो एक्सरसाइज है उसको हम यहीं पर फिनिश करते हैं। आई होप आप इसको सारे क्वेश्चन समझ में आपको आ चुके होंगे और आप इसको एक्सरसाइज को इजीली कर पाएंगे। आज के इस क्लास में इतना ही, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। Thank you.